How to remove age restriction from YouTube video. YouTube पर वीडियो का एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाना आम बात है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये मैं इस वीडियो में प्रूफ के साथ अपनी एक वीडियो को बिल्कुल फिक्स करके आपको दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। लेकिन अगर आप बोलो कि आपका एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट है फिर आप इसको फिक्स करना चाहते हो तो वैसे नहीं होगा। अगर बाय मिस्टेक आपका कंटेंट कोई एज रिस्ट्रिक्शन वाला नहीं है लेकिन गलती से बाय मिस्टेकन आपको एज रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है तो इस वीडियो को पूरा देख लें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, वीडियो जब भी आपकी एज रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाती है यूट्यूब के द्वारा तो आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स आना बंद हो जाते हैं, जिससे आपकी अर्निंग बिल्कुल घट जाएगी। आपको जब एड्स नहीं आएंगे तो आपको उस वीडियो पे आने वाले व्यूज से कोई अर्निंग भी नहीं होगी। तो ऐसे में हर कोई चाहेगा कि उनकी वीडियोस को एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जाए, और अगर कर दिया गया है गलती से तो उसको जल्दी से जल्दी फिक्स करें ताकि एड्स दोबारा से शुरू हो जाएं और हमारी अर्निंग भी शुरू हो जाए। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाके कंप्लीटली प्रोसेस दिखाता हूं अपनी एक एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियो को मोनेटाइज करने की। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं अपने वीडियो मैनेजर के अंदर। यहां पर मैं यहां से फिल्टर लगा के उन वीडियोस को निकाल लेता हूं जिन पे एज रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो फिल्टर सेलेक्ट कर लेते हैं एज रिस्ट्रिक्शन का, और यहां पे हम व्यूअर्स ओवर 18 करके इसको अप्लाई कर देंगे। एज रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है जिन वीडियोज़ को सिर्फ 18 से ज़्यादा उम्र वाले देख सकते हैं। तो यहां पे मेरी 3 वीडियोज़ निकल के आ रही हैं 18 प्लस ओनली की, जिसमें मोनेटाइजेशन बिल्कुल बंद है। तो अभी मैं लाइव इसको ऑन के दिखाऊंगा आपको। इसके किसी भी वीडियो पे जिसका एज रिस्ट्रिक्शन हटाना है आप उसके एडिट पे जाओगे और नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, बिल्कुल आप फॉलो करते रहिए। यहाँ नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन आपको लिखा हुआ दिखेगा। डू यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट योर वीडियो टू एन एडल्ट ऑडियंस, फलाना ढिमकाना जो भी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नीचे रिक्वेस्ट रिव्यू करके लिखा हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो सेट बाय यूट्यूब लिखा है, इसको यूट्यूब ने ऑटोमेटिकली एज रिस्ट्रिक्ट किया है। रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कर लेंगे इसको फिक्स करने के लिए, और यहाँ से आप पहुँच जाओगे इस पेज के ऊपर। खुल जा भाई, खुल जा जल्दी, ठीक है। इस पेज पर खुल जाओगे तो यहाँ पे सबमिट एन अपील का आपको देखने को एक फॉर्म छोटा सा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से होता है। जब आप ऐसा कंटेंट बनाते हो जो बच्चों के लिए नहीं होता है, 18 प्लस के उम्र के लोग ही उसको देख सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आप लिख सकते हो अपनी अपील को, अपनी कंप्लेंट को। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको वही लिखना है जो मैंने लिखा है, और ये जो मैंने लिखा है ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से कॉपी कर लो। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं वहां पे अपनी डिटेल्स भर देना, टाइटल में टाइटल डालना और लिंक की जगह अपनी उस वीडियो का लिंक डाल देना, और आपको कुछ नहीं लिखना है। सारी चीज मैंने डिस्क्रिप्शन में बनाकर पूरा पहरा दे दिया है, सबमिट करना है। तो लो जी, आपने सबमिट भी कर दिया। यहाँ पे सबमिट पे जल्दी से क्लिक हो जा भाई, क्लिक कर लेते हैं सबमिट के ऊपर। ये देखिए सबमिट हो गया। नीचे आप देखोगे तो अपील सबमिटेड करके यहाँ पे लिख के आ गया है। तो ये बहुत ही इजी स्टेप है। अब मैं आपको अगली रिकॉर्डिंग पे लेने वाला हूँ जहाँ पे ये चीज़ फिक्स हो गई है, जो रिकॉर्डिंग मैंने थोड़ी देर बाद की हुई है, क्योंकि एकदम से मुझे मेल तो आया था कि आपकी सबमिट हो गई है रिक्वेस्ट, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके कुछ टाइम के बाद मतलब कुछ घंटों के बाद आपकी वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली फिक्स हो चुकी होगी। गाइज मैं आपको बता दूं, उस क्लिप को दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को पूरा देख लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है। तो ये वो क्लिप है गाइज, ये दूसरी क्लिप है। अब हम उसी वीडियो को दोबारा से ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिस वीडियो का मैंने काम किया ये वाली वीडियो है, देखो यही वाली वीडियो थी जिसका हमने फिक्स किया। तो अब आप देखोगे मोनेटाइजेशन ऑफ लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है आपके सामने। मैं इसको ऑन करने वाला हूं, क्लिक करते हैं, ऑन करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, सबमिट हो गया है। तो इस तरह से एक छोटा सा एक फॉर्म आपके पास खुलता है, आपको सबसे नीचे चले जाना है, सबसे नीचे और नीचे, और यहां पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, नन ऑफ दीज अबव। अगर बाय मिस्टेक आपका जो है एज रिस्ट्रिक्ट किया गया है तो नन ऑफ अबव को आप मार्क कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। ध्यान दें, यहाँ पे आप देख सकते हो सेव फॉर एड ऊपर आ चुका है, एड्स इस पर आएंगी। और यहाँ पे एक और चीज़ दी है कि अपनी वीडियो को, और यहाँ पे ऐसे ही अपनी मर्जी से नन ऑफ दीज मत करना, अगर बिल्कुल सही है तभी करना और इसको ओके कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो मोनेटाइजेशन इज ऑन, आपके सामने है, बिल्कुल देख सकते हो, सेम वीडियो है। वीडियो में पीछे जाके भी आप इसको चेक कर सकते हो।
अब बात करते हैं प्रमोशन के लिए सिलेक्ट हुए चैनल का। तो विनर है हमारे मिस्टर शॉर्ट नॉलेज। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा कमेंट किया है कोड के साथ, तो आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। कोई भी मुंह मत फुलाना कि मेरा नंबर नहीं आया, मेरा जिसका मन करेगा, मुझे जिसका कमेंट अच्छा लगेगा मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कमेंट करना है विद कोड। इस वीडियो के अंदर भी एक कोड है, आप जल्दी से उसको फाइंड आउट करो और कमेंट करना। और इस भाई के चैनल का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाइए उसको सपोर्ट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, उसके वीडियोस को वॉच करिए, क्योंकि जब आपका नंबर आएगा आपको भी तभी लोग देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे जब आप लोगों को सपोर्ट करोगे। तो ईमानदारी दिखाओ और सपोर्ट करो जाके भाई को, कल को आपका चैनल भी आएगा तो आपको भी ये सभी करेंगे मिलके। तो इसी के साथ गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। अब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।